अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज की वीडियो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोग मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं, उसके लिए भी मैं आपका थैंक्स करती हूँ। तो आएँ, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ ट्रेडमिल पे कि मैं किस तरीके से ट्रेडमिल यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो शूज़ पहन लेती हूँ मैं। ट्रेडमिल पड़ी हुई है मेरी ऊपर टीवी लाउंज में, तो हम शूज़ पहन के ऊपर चलते हैं। तो जब भी आप कोई वॉक करें तो आपके लिए सबसे पहले आपके शूज़ जो हैं वो कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ट्रेडमिल पे ही करें, जिनके पास ट्रेडमिल ना हो वो वैसे भी अपनी आदत बना लें, कोई 20 मिनट की वॉक ज़रूर किया करें। 20 मिनट से आधे घंटे तक की वॉक जो है बहुत ज़रूरी होती है। आजकल हर बंदा डायबिटिक है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है वॉक। तो आ जाएं हम ट्रेडमिल पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुरान की एक खूबसूरत सी दुआ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اے ہمارے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب मेरी दुआ कबूल फरमा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ मैं ट्रेडमिल पे आ गई हूँ। तो ये देखें, मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ यहाँ से। अच्छा, उसके बाद मैंने अब इसकी नंबरिंग करनी है। तो हमें जब स्टार्ट लेना चाहिए तो हमें बिल्कुल ही, मतलब एकदम हमें फास्ट नहीं जाना, हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है नंबरिंग बढ़ानी है। पहले हमें वार्म अप होना है और उसके बाद जो है हमने इसकी स्पीड ज़्यादा करनी है। तो ये देखें, अभी ये ज़ीरो पर है। तो अब मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ। ये स्टार्ट हो गई है। ये इस वक्त है वन पर है। अब नंबर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके बढ़ाती जाऊंगी। ये मैं तकरीबन इसको 20 तक ले आई हूँ। ये देखें, 2.5 तक मैं चली गई हूँ इस पर। अब मैंने कम से कम 1 मिनट जो है अपना वार्म अप पे लगाना है, उसके बाद मैं जो है इसकी स्पीड बढ़ाऊँगी। स्लोली स्लोली स्पीड बढ़ानी है हमने। एकदम से जो है ट्रेडमिल पे खड़े होते के साथ ही हमने इसकी स्पीड जो है वो तेज़ नहीं करनी,
ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। ये देखें, तकरीबन एक मिनट जो है मैं इसी स्पीड पर रहूँगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं बढ़ाना शुरू करती हूँ। ये 3.5 तक मैं चली गई हूँ इसमें। अब मैंने जो अपनी स्पीड मैक्सिमम करनी है वो तकरीबन है मेरी 4.5 तक मैं जाऊंगी इस पर। तो मैं अब व्यूअर्स ये देखें, मैंने तकरीबन 10 मिनट की वॉक कर ली है। तो इस तरह मेरे अब तक जो है वो 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको जो है अपनी जो स्पीड है आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दूँगी। पहले मैं ले जाऊंगी 4 तक, 4 पे मैं तकरीबन 2 मिनट की वॉक करूंगी इसके ऊपर। मतलब मैंने अपना टाइम ड्यूरेशन जो है वो 20 मिनट इस पे पूरे कर लिए। अब 4 के बाद मैं जब मेरे 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इसको तकरीबन 3.5 पे ले जाऊंगी। पंद्रह मिनट हमने पहले कर लिए वो, और अब हम इसको कम करते करते पूरा टाइम जो है हम अपना 20 मिनट का जो है टाइम ड्यूरेशन वो पूरा कर लेंगे। ये देखें, अब मैं आ गई हूँ 3 पे, और 3 के बाद जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो स्पीड है वो कम करती जाऊँगी। 5 जो है वो सेकंड्स कम होते जाएंगे। ये मैं 2.5 पे आ गई हूँ, और इस तरह मेरी जो बॉडी है वो भी रिलैक्स होती जाएगी। मतलब मैं जब बॉक्स से इससे नीचे उतरूँगी तो मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही होंगी। जो मेरी सांस चढ़ी हुई है ज़रा तेज़ तेज़, उसमें भी ज़रा कमी आ जाएगी। तो इसलिए जो ये तरीका है ये बहुत सही है, मैंने अपने ऊपर किया है। तो मैंने कहा मैं आपको भी बताऊं ये सही तरीका। ये देखें, अब मैं 2 पे पहुंच गई हूँ। अब इसकी स्पीड जो है बिल्कुल ही है कम हो चुकी है इस टाइम। ये बिल्कुल ही ऐसी स्पीड है जैसे मैं वॉक कर रही हूँ। तो इसी स्पीड पर तकरीबन मैंने 2 मिनट रहना है, और 2 मिनट के बाद जो है मैंने इसको स्टॉप कर देना। ये अब मैंने स्टॉप कर दिया है इसको, और अब मैं नीचे आ गई हूँ ट्रेडमिल से। उसके बाद मैंने रिलैक्स होके एक जगह बैठ जाना है थोड़ी देर के लिए,
रिलैक्स फील करना, एकदम से मैंने चलना फिरना नहीं शुरू करना। और ये मैंने अपना एक वाटर बना के रखा हुआ है इधर, ये बड़ा रिफ्रेश कर देता है आपको। आप अगर कोई जूस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, पानी जितना यूज़ करेंगे वो अच्छा है। इसके अंदर मैंने कुछ पुदीने के मिंट पत्ते डाले हैं, खीरा है मेरे पास स्लाइस में कटा हुआ थोड़ा सा, और हाफ लेमन है जिसमें मैंने निचोड़ के इसको छिलके समेत इसमें डाल दिया। ये अब मैं पी लूँगी, इसके बाद तो मैं अपने आप को काफ़ी फ्रेश फील करूँगी। तो अगर किसी को वेट का मसला है कि उसका वेट ज़्यादा है और वो कम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपने 1 टीस्पून चिया सीड, जिसको हम तुख मलंगा भी कहते हैं, वो आप पानी में भिगो दें रात को, और सुबह उठ के निहार मुँह वो आप पी लें, उससे आपको काफ़ी फ़र्क फील होगा अपने वज़न में। और कोशिश करें कि जिसके पास ट्रेडमिल ना हो वो खाने के बाद ज़रूर 20 मिनट की वॉक करें। तो आप इन दो छोटी छोटी ये पॉइंट हैं, दो छोटी काम हैं जिसके मदद से आप अपने वज़न को काफ़ी मेंटेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलती हूँ फिर किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।